ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि संधि का अंतिम भाग है वो करने जा रहे सभी ध्यान दें। विसर्ग संधि विसर्ग प्लस में स्वर या व्यंजन बराबर विसर्ग संधि, ये परिभाषा है। विसर्ग विसर्ग के साथ स्वर व्यंजन के मेल में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहां तो विसर्ग है और यहां तो स्वर व्यंजन है, इसके मेल से जो विकार होगा या परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और पहचान इसकी है, विच्छेद करने के बाद यदि विसर्ग हो तो विसर्ग संधि होती है। जैसे कुछ उदाहरण लिखे गए, जैसे मन अविराम यश अभिलाषा मन अनुकूल तप वन अध्यय गमी वय वृद्ध मन विज्ञान नी झर दू गम दू उपयोग नी आशा है, तो ये सब में विसर्ग है तो विसर्ग संधि है। इसकी परिभाषा बस ये इसकी परिभाषा है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो उनके मेल में जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो पहला नियम है, यदि यदि विसर्ग से पूर्व ए हो और बाद में ए हो तो दोनों का विकार ओ हो जाता है। संक्षेप में कहूं, नियम नंबर एक, ए विसर्ग ए, तो क्या हुआ ओ, ये एक ए हो ए और ए दोनों का क्या हुआ ओ जाएगा। विसर्ग से पूर्व भी ए हो उसके बाद भी ए हो, विसर्ग से पूर्व ए और बाद में भी ए हो तो दोनों का ओ हो जाता है। जैसे मने प्लस में अविराम, मने प्लस में अविराम तो मैं के ने में एक ही मात्रा है, आगे विसर्ग है और फिर ए है। हमारे हमारा नियम है, हमारा नियम ये है, इतना ए हो उसके बाद ए हो तो दोनों का ओ हो जाता है। या चौथा वर्ण तो जैसे मने अविराम तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का ओ हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, मैं नो वी राम मने प्लस में अविराम। जैसे है यस प्लस में ए भी ला सा तो से में ए या से में ए है और आगे भी ए है, ए और ए क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा तो क्या बनेगा ये
भीलाषा, यशो भीलाषा। आगे है मन प्लस में अनुकूल, मन प्लस में अनुकूल। तो मैं के ने में ए की मात्रा है और आगे ए है तो दोनों का ओ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, मैं नो कूल है, मनो नुकुल। मनो नुकुल, मन प्लस में अनुकूल। आगे दूसरा नियम, नियम नंबर दो, उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यहां ए प्लस कोई स्वर, तो क्या होगा, लोप। जैसे अतः प्लस में एव, अतः प्लस में एव आपने देखा होगा, तो क्या होगा, ए तय एव, ये हो जाएगा। या विसर्ग नहीं आएंगे। एक है यस्य इच्छा, यहां ए की मात्रा है, आगे ई है, तो इस ए को यहां से हटा देंगे। यह शिक्षा, यह शिक्षा हो जाएगी। तो ए हो, ए के बाद कोई स्वर, यानी ए को छोड़कर के कोई स्वर हो तो दोनों का ए और ए हो तो हो जाता है, और ए को भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। आगे है नियम नंबर तीन, हाँ संक्षेप में, विसर्ग से पूर्व है, यदि नियम बनाएंगे तो विसर्ग से पूर्व है ए वो, और उसके बाद तीसरा चौथा वर्ण या यह रे ले वे हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ। पहले क्या था, ए के बाद ए हो तो दोनों के स्थान पर ओ होगा, विसर्ग और आगे भी ए, ये था। दूसरा ये था, ए हो और उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो ए को छोड़ करके, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब है वर्ण का तीसरा चौथा, जैसे बताया था मैंने, कह ख ग घ, तो कै वर्ण, कै वर्ण में
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो क्या होगा? गे और घे। क वर्ग में गे और घे, च वर्ग में जे और झे, ट वर्ग में डे और ढे, डे और ढे, बे और भे। ये अक्षर होंगे किसका चौथा वर्ण? या ये रे ले वे में से कोई वर्ण होगा तो विसर्ग का ओ होगा। जैसे तपह वन, तपह वन, यहां क्या है? पै में ए की मात्रा आ गई और आगे इनमें से ये आ गया, वह आ गया, तो क्या होगा? विसर्ग का ओ होगा, विसर्ग का ओ होगा, तो क्या क्या हो जाएगा? तपोवन, क्या हो जाएगा? तपोवन। उसी प्रकार मन है प्लस में विज्ञान, मन है प्लस में विज्ञान, तो यहां क्या है? ए और आगे वह आ गया तो ओ होगा, तो ये क्या बनेगा? मैं नो वी ज्ञान, मन है प्लस में विज्ञान, मन का विज्ञान। तो आगे देखिए उदाहरण और देखिए, एक है अधय प्लस में गामी, तो यह क्या हो गया? गय हो गया, ठीक है? क वर्ग का तीसरा, क वर्ग का तीसरा हो गया, यहां ए हो गया, तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओ, तो ए धो गामी, अधोगामी। तो ए देखिए, हमने तीन नियम देखे हैं, ए और ए के बाद ए हो तो दोनों के स्थान पर ओ होता है, दूसरा ए हो उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तीसरा ए हो और उसके बाद तीसरा चौथा वर्ण या ये रह ले वे में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे कठिन प्लस में बहुत ही, वह क्या हो गया? वह वर्ग का हो गया चौथा, तो क्या हो जाएगा? कठी नो भैवती, कठिन बहुत ही। अब देखिए अगला नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है विसर्ग संधि के अंदर, ये विसर्ग संधि के नाम से भी जाना जाता है और रुत्व संधि के नाम से भी जाना जाता है। रुत्व संधि रे का विसर्ग होता है, रे का विसर्ग रुत्व संधि या विसर्ग संधि हमारे आपका दोनों से चलता है। तो नियम नंबर अगला, यदि विसर्ग से पूर्व ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो
तथा विसर्ग से परे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या ये, रे, ले, वे हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए, देखने में तो नियम बहुत बड़ा दिख रहा है, हम इसे छोटा कर लेते हैं। ये बीच का भाग हो गया, यहां ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर पहले भाग में ये होना चाहिए, ए और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, और आगे आगे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या ये, रे, ले, वे इनमें से कोई एक वर्ण हो, आपको छोड़कर कोई अन्य आगे विसर्ग हो, और या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या ये, रे, ले, वे से कोई हो सूत्र, तो क्या होगा, रे का विसर्ग होगा, रे का विसर्ग होगा। अब देखिए, रे का विसर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ए आपको छोड़कर पहले भाग में ए और आपको छोड़कर कोई अन्य स्वर, यहां तीसरा, चौथा, पांचवा या यह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रे होगा, और रे हो तो रे का विसर्ग होगा, दोनों बातें लागू है। जैसे उदाहरण है, नी प्लस में झर, नी प्लस में झर, यहां क्या है, नी में ए और आपको छोड़ दिया है, एक ही मात्र है, आगे विसर्ग है, और यहां क्या है, चौथा वर्ण, से वर्ग का चौथा वर्ण हो गया, तो क्या हो गया, विसर्ग का रे होगा, रे व्यंजन होगा, रे में कोई स्वर नहीं होगा, रे में कोई स्वर नहीं होगा, रे व्यंजन होगा, यदि आगे स्वर है, कोई स्वर आता है तो जोड़ देंगे, जैसे क्या हो जाएगा, नी रे झर। दूसरा उदाहरण है, दू प्लस में गम, दू प्लस में गम, यहां क्या है, दैल ऊ की मात्रा है, दै में ऊ की मात्रा है, दै में ऊ की मात्रा है, तो क्या हुआ, आगे गए गए कैवर का तीसरा है, गैवर कैवर तो क्या होगा, रे होगा, तो क्या होगा, दू रे गम। यदि मैं संधिकरण करना है, अशुद्ध शुद्ध वर्णों को देखना है, तो ये संधि आ रही है, तो हम आसानी से पहचान जाएंगे कि रे कहां पर आएगा और क्या होगा। आगे है, आगे देखिए उदाहरण,
दू प्लस में उपयोग, दू प्लस में उपयोग, यहां क्या होगा? विसर्ग का रे होगा, तो पड़ेगा क्या? दू रे व्यंजन है, अगर उपयोग, या ये जो भाग में बता रहा केवल समझने के लिए बता रहा हूं, तो अब क्या होगा तो इस उ की मात्रा इसमें उपयोग में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दू रूपयोग, दुरुपयोग, दुरुपयोग। जैसे आयु प्लस में वेद, आयु प्लस में वेद, ऐसा वेद तो आयु के बारे में तो क्या होगा? आयु, आयुर्वेद। यहां है, यहां कोई स्वर नहीं है, यहां तो स्वर था तो इस स्वर की मात्रा इसमें जोड़ दी तो रे आ गया। अब यहां व्यंजन है तो क्या करेंगे? आगे वाले अक्षर के ऊपर लगा देंगे तो आयुर्वेद। जैसे और देखिए दान धेनु प्लस में इयम, धेनु प्लस में इयम तो क्या हो जाएगा? रे होगा, तो हो जाएगा दे नू री यम। क्यों? यहां री कैसे आ गया? आगे क्या है? स्वर है। सूत्र क्या है? ए आपको तो कोई अन्य स्वर हो, आगे स्वर हो, स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यह लगभग, आपको केवल नियम इतना ही याद रखना है, इतना ही नियम याद रखना है आपको। बस एक नियम क्या हो गया? विसर्ग में ये मैं उस पसरे में न पढ़ करके सीधा देखिए, ए और पहले भाग में ए और आपको अन्य कोई स्वर होगा, उसके बाद विसर्ग होंगे, आगे या तो स्वर हो सकता है या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है या इनमें से कोई एक वर्ण होगा तो र का विसर्ग होगा और विसर्ग का र होगा। तो धेनु नियम है, तो धेनु हुआ, हुआ गया, आगे विसर्ग है तो विसर्ग का रे बढ़ा दिया, आगे ई है तो ई की मात्रा इसमें जोड़ देंगे तो धेनु रियम बनेगा। तो यहां है ज्योति प्लस मय ज्योतिर्मय, धनु प्लस धारी धनुर्धारी। उदाहरण है आप देखिए, धनु धारी ज्योति मय, या अन्य कोई अपने सिलेबस के उदाहरण आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार पुनः बता देता हूं मैं, रुत्व संधि या विसर्ग संधि, ये नियम है इसका, इस नियम को अच्छी तरह से देख लीजिए, ये इसमें महत्वपूर्ण है। आगे देखिए अगला नियम, विसर्ग के बाद छह या छह हो तो विसर्ग का छह होगा, विसर्ग का छह होगा। देख लीजिए, एक यहां विसर्ग है, उसके बाद छह या छह होता है तो
तो क्या होगा, विसर्ग का से होगा, ठीक है। अब देखिए, विसर्ग का से होगा तो क्या बनेगा, क कश्चित। अब आप समझ गए होंगे कि च से पहले आता से आएगा तो से तालु में से, जैसे तस्या प्लस में छांग, तो क्या होगा, से या से छम, विसर्ग का से हो जाएगा। अब अगला नियम है, विसर्ग के बाद ते या ठे हो तो विसर्ग का से होगा, विसर्ग का से होगा। दूसरा नियम, विसर्ग प्लस में ट और ढ, और इसमें तीसरा नियम और बता देता हूं मैं, विसर्ग प्लस में ते यहां होगा ये से, यहां पर होगा ये से, तो आपने से में अंतर की देख लिया होगा। से का अंतर है उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान से तालु, ये से होगा तालव्य से, ये मूर्धा से, ये दंते से, दंते जीभ धातु से स्पर्श करती है तो दंते हो गया, इसमें जीभ धातु से ऊपर के भाग में स्पर्श करती है, जैसे आप षटकोण बोल लीजिए, अब षटकोण बोलने बोलोगे तो जीभ आपकी धातु से ऊपर तक होगी और झटके से पीछे आएगी, तो आप पहचान लेना कि ये इस स्थान को मूर्धा कहते हैं, तो ये मूर्धन्य से है और ये दंते से है, ये तालव्य से। अब देखिए उदाहरण के, जैसे राम प्लस में टिक टिक, यहां तय आ गया, यहां तय आ गया, यहां विसर गए, तो क्या हुआ, विसर्ग का से होगा तो राम से ती कहते, एक है ता प्लस में ता, ता प्लस में ता, तो यह क्या हो गया, ता गया, ते आ गया, ते से पहले विसर्ग है तो क्या होगा, विसर्ग का से होगा तो ता से ता। आगे है इतः प्लस में ततः, इतः प्लस में ततः, तो क्या हुआ, यहां तय गया तो यहां जो है विसर्ग है तो विसर्ग का से होगा इतः से ततः, यहां कुछ भी लगाओ तो लगा दीजिए, यदि लगा हुआ नहीं है तो मत लगाइए, हमें तो केवल संधि में इसी भाग में देखना है,
उदाहरण चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई घबराना नहीं है। आप आराम से परीक्षा में पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और फिर तत्वचित होकर के मनन करिए। उसके बाद आप अपने नियम के अनुसार उसका विच्छेद या विसर्ग जो भी करना है वो कर दीजिए। एक है राम है प्रश्न है ठक्कर, राम है प्रश्न है ठक्कर, तो ठह गया तो ये सह हो गया, राम है सह ठक्कर। अब हमने व्यंजन संधि में ये बात पढ़ी थी कि जय थ से पहले कौन सा अक्षर होगा, व्यंजन संधि में पढ़ी थी कि चे छे से पहले ये से होगा तालु में से, ते ठे से पहले आता होगा तो मुदा से, और ते ठे से पहले आता से होगा तो क्या होगा दंते से, और ई और ऊ की मात्रा से पहले, एक एक नियम इस मात्रा है कि ई और ऊ की मात्रा हो उसके बाद यदि विसर्ग आता है तो विसर्ग का दंते से हो जाता है। तो विसर्ग संधि थी, विसर्ग से हमने काफी नियम देखे। पहला हमने देखा था ए विसर्ग, उसके बाद ए हो तो दोनों के स्थान पर ओ होता है, एक नंबर। दूसरा ये था कि ए और उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, वहां से वो समाप्त हो जाता है, लोप हो जाता है, विसर्ग वहां से हट जाता है, विसर्ग वहां पर नहीं लगता है। एक हो ए उसके बाद विसर्ग, उसके बाद जो तीसरा चौथा पांचवा यह लगवा में से कोई या कोई स्वर हो तो ओ हो जाता है। तीन चौथा था रुत्व, यदि ए या आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो, ए या कोई अन्य स्वर हो तो, और आगे तीसरा चौथा पांचवा यह रण हो तो रे का विसर्ग होता है या विसर्ग का रे होता है। ये विसर्ग संधि में एक महत्वपूर्ण संधि है जिसको हम रुत्व के नाम से भी जानते हैं। और आगे था चे छे से पहले विसर्ग हो तो तालु में से होता है, ते ठे से पहले विसर्ग हो तो उसका मुदा से होता है, थे से पहले से हो तो उसका दंते से होता है। तो विसर्ग संधि या संधि का फल हमारा पूरा हो गया। आगे हम एक महत्वपूर्ण जो भाग है समास के बारे में करेंगे।